अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस की फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। सी प्लस प्लस के अब नया नया डेटा टाइप क्या है, हम कौन कौन से डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा टाइप क्या है। सी प्लस प्लस की पांच बेसिक डेटा टाइप है। नंबर एक है कैरेक्टर डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट है, बूलियन है और अनसाइंड डेटा टाइप है। अच्छा, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कंप्यूटर में एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो कंप्यूटर को ये पता नहीं होता कि इस वेरिएबल में हम किस किस्म का डेटा सेव करेंगे। तो हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इसके साथ साथ हमें इसकी डेटा टाइप भी कंप्यूटर को बतानी पड़ती है कि हम इस वेरिएबल में यही टाइप का डेटा सेव करेंगे। डेटा टाइप कंप्यूटर को बताती है कि कंप्यूटर में किस किस्म का डेटा सेव होंगी, मतलब कि इंटीजर है, कैरेक्टर होंगी या फ्लोटिंग पॉइंट होंगी, और उस वेरिएबल की रेंज क्या होगी, मतलब एक वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप में कितने रेंज तक वैल्यू आ सकती है। मतलब इसमें अगर छोटी वैल्यू है, मतलब कि 1 to 100 एक डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल इंट इंट में यही आती है, तो इंट का साइज तो बड़ी है, लेकिन अगर इंट में यही तक आती है तो हम इंट जो वैल्यू हम हमें पता होती है कि ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हम इसके लिए इंट डेटा टाइप जो है डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल के साथ। आमतौर पर यही पांच इस्तेमाल होते हैं डेटा टाइप: कैरेक्टर डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन और अनसाइंड। जब कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर जो है कैरेक्टर कीवर्ड हमने लिखा है, ये रिप्रेजेंट करती है सी प्लस प्लस में कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो सी प्लस प्लस में ये रिप्रेजेंट करती है। जब हम किसी वेरिएबल के साथ कैरेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें कैरेक्टर डेटा सेव होंगी। और कैरेक्टर क्या है, द सेट ऑफ ASCII कैरेक्टर, ASCII कैरेक्टर की जितनी भी वैल्यू है उस सारे को कैरेक्टर डेटा टाइप कहते हैं। ASCII तकरीबन 1 to 256 कैरेक्टर सेट है और वो सारे कैरेक्टर डेटा टाइप से बिलोंग करती है। द मैक्सिमम साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप इज 8 बिट, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में इसके लिए 8 बिट जगह जो है वो वक्फ की जाती है, अखज की जाती है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, हर बाइट में 8 बिट होती है और कैरेक्टर डेटा टाइप की यही मेमोरी में साइज है। अनसाइंड साइन कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर, ये भी कैरेक्टर की दो किस्में हैं और ये मेमोरी में वही जगह 8 बिट मतलब कवर करती है। फॉर एग्जांपल यही हमारे साथ कोड है, कैरेक्टर एक्स, एक्स यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल डेटा टाइप है जिसने 1 बाइट की मेमोरी जो है वो वक्फ की है। जो वेरिएबल हम कैरेक्टर टाइप के डिक्लेयर करते हैं उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर हम सेव करते हैं, और कैरेक्टर जब हम इसमें सेव करते हैं कैरेक्टर हमेशा के लिए सिंगल कोट्स में बंद किया जाता है। जब आप किसी वेरिएबल को एक कैरेक्टर वैल्यू देते हैं तो कैरेक्टर आपको सिंगल कोट्स में बंद करना पड़ेगा, ये लाजमी है। ये मिसाल के तौर पर कैरेक्टर जेंडर, जेंडर इक्वल टू एम, हमने एम जेंडर वेरिएबल को असाइन की है, एम को सिंगल कोट्स में बंद की है। यहाँ पर जेंडर एक वेरिएबल है और इसने 1 बाइट की मेमोरी जो है वो अखज की है, मेमोरी में इसको दे दी गई है, और ये एम जो है जो मेल के लिए, मतलब मेल के लिए स्टैंड होता है, मेल एम मेल से ड्रॉ वर्ड है, और यही कैरेक्टर कांस्टेंट जेंडर में सेव हुआ है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। जब इंटीजर डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप जो भी नंबर है हमारे साथ, मतलब कि 100 है, -200 है, जितने भी नंबर है हमारे साथ वो जिस वेरिएबल में सेव होंगी उसे हम इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, और इसके अपने भी टाइप्स है, सब टाइप्स है इसके, वो तीन है, इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग। ये इंटीजर डेटा टाइप की अपनी सब टाइप्स है, मतलब इसकी रेंज में फर्क होती है। अगर आप इंट
डिक्लेयर करते हैं, तो इसका रेंज अपनी हद तक है। शॉर्ट एंड और लॉन्ग, लॉन्ग बहुत बहुत बड़ी नंबर के लिए होती है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ इंटीजर नंबर, डिसिमल फंड इसमें नहीं आती, इसलिए इसे इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं। अच्छा, इंटीजर टाइप क्या है? इन जो कीवर्ड है ये इंटीजर के लिए C++ में इस्तेमाल होती है, मतलब हम जहां भी int लिखते हैं तो इसका मतलब है हमारे साथ डेटा टाइप इंटीजर है। और ये 16 बिट मतलब ये, और इसका मेमोरी में मतलब कि 2 बाइट्स मेमोरी ये वक्फ कर लेती है, जैसा कि करेक्टर ने 1 बाइट वक्फ की थी, तो ये मेमोरी में 2 बाइट की जगह अखज करती है। और 2 बाइट जब आप बिट्स में लेते हैं तो ये 16 बिट्स होती है, क्योंकि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर है, जो तो जब 2 बाइट होती है तो ये 16 बिट्स के बराबर है। और 16 बिट्स की मकदार रेंज जो है वो -2 की पावर 15 -1 तक है इसके रेंज है। इसका मतलब ये है कि एक इंटीजर वैल्यू -32,768 से लेकर 32,767 तक वैल्यू सेव कर सकती है। अच्छा, अब शॉर्ट इन डेटा टाइप क्या है? ये भी बस इन की तरह ही है, कुछ फर्क नहीं है, इसके रेंज भी है वही है और बाइट्स जो है मेमोरी के बाइट्स वो भी वही है, इसलिए इसके बाद इसको हम छोड़ते हैं। अच्छा, अब लॉन्ग इंट डेटा टाइप क्या है? तो लॉन्ग इंट जो है ये लॉन्ग इंटीजर के लिए स्ट्रेन होती है, मतलब C++ में जहां भी हमने लॉन्ग इंट डेटा टाइप लिखा और इसके बाद वेरिएबल लिखा तो वही वेरिएबल 4 बाइट्स की मेमोरी इसके लिए वक्फ होंगी और वो 32 बिट्स के बराबर है, और 32 बिट्स वेरिएबल की वैल्यू मतलब इसमें आप -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर 21, 47, 48, 36, 47 तक वैल्यू आप सेव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हो, बहुत बड़ी वैल्यू ये हो गई, और मतलब आप कैलकुलेटर में इतनी बड़ी वैल्यू की आप हिसाब किताब भी कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इंटीजर जो है ये सिर्फ होल नंबर के लिए इस्तेमाल होती है, मैंने पहले भी कहा इसमें अशारिया नहीं आती, तो इस वजह से फ्लोट टाइप की जो डेटा टाइप है वो C++ में अशारिया के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत बड़ी नंबर की ज़रूरत होती है कि हम इसकी वैल्यू सेव करें किसी वेरिएबल में, या डिसिमल फाइनल नंबर और अशारिया के बाद इसके बहुत से नंबर होते हैं, क्योंकि करेक्ट वैल्यू हमारे साथ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज़रूरत होती है, तो मतलब वही वैल्यू को सेव करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप C++ में लिखते हैं, वेरिएबल को फ्लोट डेटा टाइप में डिक्लेयर करते हैं। दो डेटा टाइप व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर सच टाइप ऑफ डेटा, इस मतलब कि अशारिया वाला जो नंबर है या बहुत बड़ी नंबर है उस वैल्यू को सेव करने के लिए हम जो डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं इसे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कहते हैं। वेरिएबल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप होल्ड रियल नंबर, मिसाल के तौर पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है ये रियल नंबर सेव करते हैं, मिसाल के तौर पर 4.0, 2.5, 3.33 और 0.1226। इसके भी अपने 3 डेटा टाइप मतलब सब टाइप्स इसके भी है, एक फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। ये तीनों अशारिया नंबर के लिए और बहुत बड़ी नंबर के लिए इस्तेमाल होती है। ये टाइप आप इसकी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा है और आप इसमें बहुत बड़ी वीडियो सेव कर सकते हैं। C++ में द फ्लोट डेटा टाइप जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के वेरिएबल को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उस वेरिएबल में हम सेव कर सकते हैं जिसमें डिसिमल पॉइंट हो, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसे कहते हैं वो नंबर जिसमें अशारिया आती है,
वही नंबर सेव करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, और ये जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में इसके लिए 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स की मेमोरी इसके लिए मेमोरी में रिजर्व की जाती है, अखज की जाती है, बुक की जाती है। अच्छा, अब डबल डेटा टाइप क्या है? डबल कीवर्ड जो है ये डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सी++ में रिप्रेजेंट करती है। जब हम डबल लगाते हैं तो इसका मतलब है एक लॉन्ग फ्लोट की डेटा हमने डिक्लेयर की है, इसका मतलब ये है। और इसका मेमोरी में 8 बाइट 64 बिट्स ये मेमोरी में रिजर्व करती है। द साइज ऑफ डबल जो है मतलब डेटा टाइप डबल की साइज रेशनल नंबर, मैंने पहले कहा कि डबल जो है ये लॉन्ग फ्लोट का इसकी रेंज लॉन्ग फ्लोट तक है, मतलब लॉन्ग फ्लोट डेटा जितनी रेंज तक वैल्यू सेव कर सकती है इतनी डबल भी सेव कर सकती है। और ये वैल्यू जब सेव करती है तो ये हम बाइनरी मेंटीसा और एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्ग डबल डेटा टाइप क्या है? C++ में लॉन्ग डबल डेटा टाइप, लॉन्ग डबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये डिक्लेयर करते हैं, इसमें लॉन्ग डबल की वैल्यू आती है और लॉन्ग डबल डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तक C++ में इस्तेमाल होती है। और ये जब हम डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग डबल डेटा टाइप वेरिएबल तो इसके लिए 10 बाइट्स मतलब कि 80 बाइट्स की मेमोरी स्पेस रैम में इसके लिए मतलब इसके लिए जरूरी होती है, जरूरत होती है 10 बाइट्स मेमोरी की, और ये वही तक स्टोरेज जो है वो वकब करती है। बूलियन डेटा टाइप क्या है? बूलियन बूल जो है हम बूल BOOL जब हम बूलियन की डेटा जो है वो डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल की बूल वेरिएबल डेटा टाइप, तो इसके लिए हम यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है बूलियन डेटा टाइप। और ये सिर्फ 2 वैल्यू को मतलब बूल डेटा टाइप की रेंज है वो 2 वैल्यू है, 0 है 1 है, इसमें या 01 सेव होगी या 1 सेव होगी या ट्रू या फॉल्स, दोनों इंग्लिश के वर्ड भी आप सेव कर सकते हैं। बूल डेटा की जो मेमोरी साइज है वो 1 बाइट है, मतलब किसी वेरिएबल को आपने बूल टाइप की डिक्लेयर की है तो ये मेमोरी में 1 बाइट की मेमोरी में जगह लेती है। बूल फ्लैग ये एग्जांपल है इसकी, यहाँ पर फ्लैग फ्लैग में आप 1 सेव कर सकते हैं, 0 सेव कर सकते हैं, फ्लैग इक्वल टू 1, फ्लैग इक्वल टू 0। अनसाइंड डेटा टाइप क्या है? हमने जो पहले जितने भी डेटा टाइप डिस्कस की है वो सब साइंड डेटा टाइप है, मतलब साइंड डेटा टाइप थे, मतलब कि उसके पास वो पॉजिटिव भी हो सकते थे इसके वैल्यू और नेगेटिव भी। अनसाइंड का मतलब यही है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर सेव होगी और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर उसकी रेंज तक हो सकती है, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है पॉजिटिव साइड में। जब हम इससे पहले जो हमने डेटा जो के बारे में बताया तो वो इसमें एक बाइट जो है वो साइन के लिए इस्तेमाल होती थी, मतलब हमें पता नहीं होता ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो काम चलता है, लेकिन उसमें एक बाइट कंप्यूटर में साइन के लिए इस्तेमाल की वक्फ की जाती थी कि ये वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब अनसाइंड डेटा टाइप का मतलब यही है कि इसमें वही बाइट जो है वो बुक नहीं की जाती, रिजोर्ड नहीं की जाती कंप्यूटर मेमोरी में, तो इसकी वैल्यू में इजाफा की जाती है। अनसाइंड नंबर क्लासिफाइड ये भी 4 ग्रुपों में तकसीम की गई है, अनसाइंड करेक्टर, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। हमने यहाँ पर उन सारे डेटा टाइप की एक टेबल बनाई है, आप इस टेबल की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने साथ के वीडियो लिख भी सकते हैं काफी में। इसमें कैरेक्टर है, कैरेक्टर नेम को जब कैरेक्टर डेटा टाइप की हम
जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल तो इसके साथ char स्मॉल 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 हरूफों में हम लिखते हैं, मतलब कैपिटल एक ए बी सी होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल कैरेक्टर में हम कैरेक्टर लिखते हैं char, और इसकी जो साइज है वो 1 byte है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, सारी वैल्यू है, इसके रेंज भी आप हमने लिखी है, तो आप इसका पैदा होता है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कांस्टेंट क्वालिफायर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।